हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स मी मैना। और आज की वीडियो है यस खिलौन टीवी पेन स्टिक। यस, सो आज की वीडियो में मैंने बनाई है ये फाउंडेशन बेस खिलौन टीवी पेन स्टिक के साथ। और मैंने इसको कैसे बनाया है, कैसे सेट किया है, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ही साथ ये ड्रामेटिक आई मेकअप लुक भी आप इस वीडियो में देखेंगे। सो यस, इस लुक के लिए आपको मेरे साथ रहना है। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको जब भी नोटिफिकेशन मिले तो आप फौरन देख सकें। सो यस, और मेरे साथ रहिए और मुझे बताइएगा एंड पे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो कीप ऑन वॉचिंग। अब मैं ले रही हूँ मेबेलिन का मास्टर प्राइम, और ये हाइड्रेटिंग प्राइमर है। इसको मैं अप्लाई करूँगी क्योंकि मैं आज टीवी पेंट स्टिक अप्लाई करने लगी हूँ, तो उसके लिए मुझे बहुत अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है, हाइड्रेट करना है, तो उसके लिए बेस्ट है ये। सबसे पहले मैं ले रही हूँ फिजियोजेल का मॉइस्चराइजर, और ये डे मॉइस्चराइजर है। और अगर आपको वो हैवी फाउंडेशन लगानी है तो ये मॉइस्चराइजर बहुत बेस्ट रहेगा, इससे आपकी स्किन बहुत अच्छी मॉइस्चराइज हो जाएगी। और ये है टीवी पेन स्टिक, और ये तीनों यूज़ करूँगी आज मैं। अब मैं ले रही हूँ मेबेलिन की बेबी स्किन प्राइमर, और ये है ओपन पोर्स के लिए, और बहुत अच्छा प्राइमर है रीजनेबल प्राइस में। और इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने चिक्स पे, जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मेरे पोर्स हैं और हैं, और साथ ही साथ अपने अंडर आई पे भी अप्लाई करूँगी ताकि क्रीस ना पड़े, मेरी फाउंडेशन हैवी है। सो यस, अब करेक्शन करने के बाद मैं ले रही हूँ W3, और ये मेरी स्किन टोन से सेम मिलता जुलता कलर है। और साथ ही साथ मैं इसके दूसरा कलर भी अप्लाई करूँगी, तो दूसरी टीवी पेन स्टिक एक्चुअली, और वो है आइवरी, और ये लाइटर टोन में है। तो मैं इन दोनों शेड को मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी, और मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसे अच्छे से अब अपना सेट कर लूँगी क्योंकि मैंने स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त ये फाउंडेशन बैठ रही है स्किन पर। अब मैं ले रही हूँ टीवी पेन स्टिक FS45, और इससे मैं करूँगी अपने फेस पे करेक्शन। और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरे डार्क एरियाज़ हैं उन सभी जगहों पे मैं ये अप्लाई कर लूँगी, अंडर आई और आँखों के ऊपर भी, क्योंकि ये जो आईज़ के कॉर्नर्स होते हैं ये डार्क होते हैं। अब मैं ले रही हूँ क्रेलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर, और ये है TL11, और इससे मैं अपनी अंडर आई जो है वो सेट करूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त पाउडर है और इससे जो है फाउंडेशन बहुत बहुत अच्छे से लॉन्ग लॉन्ग टाइम स्टे करती है। नेक्स्ट मैं अगेन एवरी कलर लूँगी, और इससे मैं अपनी अंडर आई जो है सारा एरिया अंडर आई और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है, कंसील करना है, मैं वहाँ वहाँ इसी फाउंडेशन के साथ जो है कंसील करूँगी, और क्या कह सकते हैं आप, हाईलाइट करूँगी, ब्राइट करूँगी अपना अंडर आईज़ को और अपनी अराउंड माई माउथ, चिन, फोरहेड, नोज़, सभी जगहों पे। और इसको मैं अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हो रहा है, स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं अपने फेस पे कंटूर करने लगी हूँ, और ये है लशेस की कंटूर पैलेट, और ये BH कॉस्मेटिक का ब्रश है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ कंटूर करना चिक्स पे बहुत ही इजी है, और इस तरीके से मैंने इसके देखिए बहुत ही इजीली अप्लाई कर लिया। बाकी का फेस मैं बड़े ब्रश के साथ, बिग फ्लफी ब्रश के साथ सेट कर रही हूँ, और अब मैं ये अपनी स्माइल लाइन को सेट करूँगी, और इसको सिर्फ मैं 5 सेकेंड लगाई रखूँगी, 1, 2, 3, 4, 5, और हटा दूँगी। यस, डस्ट ऑफ कर दिया मैंने, और बस। ब्लश के लिए ले रही हूँ मैं एल्फ की ब्लश पैलेट, और इसमें से मैं पीच और पिंक को मिक्स करूँगी। इस पैलेट की खासियत ये है कि इसमें वो सभी कलर मौजूद हैं जो आपको डेली वेयर में चाहिए होते हैं। अब मैंने इसको अपने चिक्स पे अप्लाई कर लिया है। नोज़ की कंटूरिंग के लिए मैंने रियल टेक्निक का ब्रश लिया है, ये ब्लेंडिंग ब्रश है। इसके साथ मैं अपनी नोज़ की कंटूर करूँगी, ये बहुत अच्छे से नोज़ की कंटूर कर देता है। आईब्रोज के लिए ले रही हूँ मैं जूश का पॉमेड, और ये है फज शेड में, और ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रश सेट में से, और ये आईब्रो ब्रश
ब्रश है, एंगल ब्रश, कोई भी एंगल ब्रश आप ले सकते हैं जिसके साथ स्पूली हो, उससे पोमेड अप्लाई करना बहुत ईजी है। सो एक आईब्रो में ऑन कैमरा बनाऊंगी और दूसरी ऑफ कैमरा। यस, सो इसके साथ मुझे बहुत ईजी है अप्लाई करना। और मेरी आईब्रोज बन गई हैं, अब मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। सबसे पहले मैं ले रही हूँ इंगलॉट का 284, यस 284, और इसको मैं अपनी क्रीज में जस्ट प्लेस करूँगी पहले इस तरीके से, और फिर मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। सबसे पहले प्लेस करेंगे कलर। अब मैं ले रही हूँ इंगलॉट का 283, और इसको मैं फर्स्ट शेडो के साथ ब्लेंड करूँगी, एजेस ब्लेंड करूँगी। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं नज़र आए, और ब्लेंडिंग आई मेकअप की मेन की है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ इंगलॉट का 302, और ये डार्कर शेड है, डार्क मरून टाइप का शेड है, और इसको मैं अपनी क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ। अब मैंने कलर्स की ये सबकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कर दी है, और इतनी ब्लेंडिंग करनी है कि आपके कलर्स भी नज़र आएँ, ये ना हो सब कलर्स एक जैसे हो जाएं। अब मैं अपनी ब्रो बोन पे गोल्डन शेड अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं कट क्रीज के लिए कट कर रही हूँ, और ये कंसीलर है एले प्रो का, और फ्लैट ब्रश है, और कोई भी फ्लैट ब्रश के साथ आप अच्छे से कट कर सकते हैं। अब मैं इसी पैलेट में से, जो कि मैंने कस्टमाइज़ की है खुद से, ये शेड्स मैंने अपनी पैलेट में ऐड किए हैं, और ये है गोल्डन, कॉपर गोल्डन सा शेड, और इसको मैं फिंगर के साथ पहले अप्लाई करूँगी क्योंकि फिंगर के साथ कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। सो एजेस के लिए सेम कलर को मैं ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ, ये है मोर्फी का ब्रश। अब मैं 284 को अपने पेंसिल ब्रश के साथ अपनी आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी और साथ ही ब्लेंड करूँगी। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 302, और इसको मैं बिल्कुल आउटर कॉर्नर पे प्लेस करके और ब्लेंड करूँगी ताकि मेरा आउटर कॉर्नर डार्क हो जाए। अब मैं लोअर लैश के लिए, ये 302 है, इसको अप्लाई करूँगी सबसे पहले अपनी लोअर लैश पे। अब हार्श लाइन ना रहे तो इसके लिए मैं 284 के साथ इसको ब्लेंड करूँगी। जो शेड मैंने ऊपर अप्लाई किए हैं वही मैं लोअर लैश पे भी अप्लाई करूँगी। अब मैं 283 को अपने बाकी के शेडोज़ के साथ ब्लेंड करूँगी ताकि जो शेड ऊपर हैं वही शेड्स नीचे भी आएँ और ब्लेंडिंग बहुत अच्छे हो। मुझे वाटर लाइन पे ब्लैक लाइनर चाहिए है, सो इसके लिए मैं रिमल की पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। कोहल पेंसिल है ये, और बहुत अच्छी पेंसिल है ये। लाइनर अप्लाई करने लगी हूँ मैं, और लाइनर के लिए मैं ले रही हूँ एसेंस का, ये डिप लाइनर है, और ये ब्लैकेस्ट ब्लैक है, और इसके साथ लाइनर बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई मीन ये बहुत ब्लैक लाइनर है, मैट लाइनर है, सो इसकी जो लुक आती है वो बहुत खूबसूरत आती है। आईलैशेस कलर यूज़ कर रही हूँ मैं, और आईलैशेस कलर बहुत केयरफुली यूज़ करें ताकि आपकी अपनी लैशेस डैमेज नहीं हो। अब मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और एसेंस का बिग लैश मस्कारा यूज़ करूँगी। कोई भी फॉल आउट है वो मेरी लैशेस पे तो उससे रिमूव हो जाएगा। ओह, इट्स माय फेवरेट टाइम, और ये है ग्लो टाइम, और इसके लिए मैं ले रही हूँ द बाम का मैली लुमिनाइजर, और ये बहुत ही खूबसूरत सटल हाइलाइटर है, और इसको मैं अप्लाई करूँगी अपनी चीक्स पे, अपने हाई बोन्स पे, नोज़ पे और चिन पे। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ग्लिटर, ये निक्स ग्लिटर ग्लू के साथ। सो सबसे पहले मैं ग्लिटर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ अपनी आईलेट पे, ताकि मैं ग्लिटर लगाऊँ तो वो मेरा ग्लिटर मूव नहीं करे। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप निक्स की ग्लिटर ग्लू अप्लाई करें, या कोई भी ग्लू अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं ले रही हूँ एम्ब्रिज का स्पार्कल शेडो नंबर 7, और इसको मैं अपनी आईलेट पे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मुझे ये अप्लाई करना है। लिप्स टाइम, और लिप्स के लिए मैं ले रही हूँ निक्स की मैट लिप क्रीम, और ये है साओ पालो शेड, और इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन के साथ मिक्स करूँगी। जैसे कि मैंने लिप्स को ऑलरेडी ब्राउन लिप पेंसिल के साथ ड्रॉ किया हुआ है, उसी के साथ मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगी। लैशेस, लैश आर्ट की अप्लाई कर रही हूँ लैशेस स्टाइल पॉसी, और ये बहुत खूबसूरत स्टाइल है, और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक, और क्रेलॉन डीवी पेन स्टिक और ट्रांसलूसेंट पाउडर विथ ड्रामेटिक आई लुक। और आपको ये कैसी लगी? इस तरीके से आप अपनी फाउंडेशन सेट कर सकते हैं क्रेलॉन की, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।